जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर SSC GD का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ SSC GD की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम GK GS के सेक्शन को या GK GS के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाया हूँ, जिसमें आपका GK, रीजनिंग, हिंदी और आपका मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो किसके नेतृत्व में? तो दोस्तों, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस। क्या है? इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। और ये प्रश्न में पूछ ये अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा और आपको पता भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? तो किसको? बिजेंद्र सिंह को। किसको? बिजेंद्र सिंह। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग? तो दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग। किसका? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के देश भाषाई राज्य का गठन किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम भाषाई राज्य का गठन किया गया था कब? 1953 में। ठीक है, कौन सा राज्य था? आंध्र राज्य था। कौन सा राज्य था भारत का पहला राज्य जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था 1953 में? वो था आपका आंध्र राज्य। बाद में 1956 में इसको आंध्र प्रदेश किया गया। ठीक है, अगला अगला मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चालाना अपराध है और यह दूसरी बार में डैश की अवधि तक के कारावास और 15,000 के जुर्माने से दंडनीय है? तो दोस्तों, 2 वर्ष की अवधि तक के कारावास। ठीक है, तो कारावास के बारे में पूछा है। तो अगर कोई चालक जो है शराब वराब पी के चलाता है तो उसको 2 साल की सजा होगी और 15,000 का जुर्माना लगेगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर या जंस्कार और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो कौन सी नदी है? वो है आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, 1958 में हुई थी। ठीक है, अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज 1958 में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, 2020 में रूस द्वारा आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी या थीम क्या थी? तो विषय वस्तु थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव प्रगति। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 35वें संस्करण की 64 kg श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता? किसने? राखी हल्दर ने। किसने? राखी हल्दर ने। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू और डैस ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स 2020 में रजत पदक जीते? तो किसने? मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने।
तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महाहिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन थ्री सही होगा, महाहिमालय। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ऑप्शन बिल्कुल फोर बिल्कुल सही होगा, चार मीनार का जो निर्माण करवाया था वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, जो कि आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो है आपके जी शंकर कुरुप। ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा खनिज है? तो वो है आपका बॉक्साइट, और उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है। ऑप्शन थ्री सही होगा। अगला प्रश्न, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका चेन्नई में स्थित है। ठीक है, HDFC बैंक, RBI बैंक, इनका मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित विश्व डैश विरासत दिवस की विषय वस्तु योर विंडो टू द वर्ल्ड थी? तो किसकी? विश्व दृश्य विरासत दिवस। कौन सा? विश्व दृश्य विरासत दिवस। ठीक है, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो किसने? होसंग साय ने बनाया था। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा, होसंग साय। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 के अनुसार सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों की भुगतान में चूक करने वाले कर्जदारों से ऋण की वसूली हेतु आर्हता को घटाकर डैश की संपत्ति तक कर दिया गया है? तो कितनी? 100 करोड़ की संपत्ति तक कर दिया गया है। तो ऑप्शन थ्री सही होगा। अगला है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपका ईसाई शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? ईसाई शामिल नहीं है। तो ऑप्शन फोर सही होगा। अगला प्रश्न इसलिए क्योंकि आपका पहले क्या होता था, जो मैं प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ ये आपका 2020-21 की जो वैकेंसी निकली थी उसके हैं, और पहले जो आपका GK GS रीजनिंग मैथ हिंदी जो पूछा जाता था वो 25 अंक का पूछा जाता था। ठीक, महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1930 को नमक आंदोलन सॉल्ट मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो जो नमक आंदोलन था वो साबरमती से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन वन सही होगा। अगला प्रश्न है, पानी में बने अम्ली और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आप देख सकते हो। तो आपने देखे, ये थे आपका SSC GD में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर GK GS के क्वेश्चन। ठीक है, अगला सेक्शन आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है, आपके यहाँ के मैथ के प्रश्न है, ये आप देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये आपके यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं।